राजीव जैन, जोनल एडिटर पत्रिका। श्री राजीव जैन का जन्म राजस्थान के अलवर जिले में हुआ। आपने 2002 में अमर उजाला नोएडा से पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद दैनिक भास्कर जयपुर होते हुए राजस्थान पत्रिका पहुंचे। आप संपादन कला के महारथी हैं, इसी वजह से 2014 में आपको उज्जैन पत्रिका का स्थानीय संपादक बनाया गया। 2016 के सिंहस्थ तक यहां आपने काम किया। आपने खंडवा, सतना, नर्मदापुरम एडिशन को बतौर संपादक संभाला। राजीव जी भोपाल पत्रिका में बतौर जोनल एडिटर काम कर रहे हैं। आपकी सोशल मीडिया, डिजिटल और तकनीक के विषयों में खासी रुचि है। गार्डनिंग और ट्रैवलिंग के शौकीन हैं। राजीव जैन धारदार पत्रकारिता के हिमायती हैं। पत्रकारिता में इनोवेशन और पैकेजिंग पर आपको महारत है। दखल परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। प्रिंट के लोगों के लिए सबसे कठिन होता है बोलना, क्योंकि हम लोग लिखने वाले लोग हैं। पर मैं अभी जिस तरह क्रम चल रहा था तो सोच रहा था कि क्या बोलूँगा। आशुतोष राणा जी का मुझे ध्यान है कि मैं 12th में या सेकंड ईयर में रहा हूँ, मुझे सन याद नहीं है। एक फिल्म फेयर अवार्ड में आपने कविता बोली थी, घर घर रावण पग पग लंका। तो मैं उस समय मतलब टेप रिकॉर्डर होते थे, तो मैंने टीवी के सामने उस टेप रिकॉर्डर को रखा और मैंने वो पूरी कविता, मतलब मुझे शुरू में लगा नहीं कि वो इतनी लंबी कविता होगी, तो वो 30-40 सेकंड, 50 सेकंड तक मैं ढूंढ के और वहाँ जब तक मैंने जमाया उस सेटअप को, और फिर मैंने उसको रिकॉर्ड की। फिर उसके बाद जब ये यूट्यूब का दौर आया तब मैंने उस कविता को खोजा कि वो क्या आपकी थी या वो उस समय आपने किसी की कोट करके, क्योंकि उस समय इतना याद भी नहीं था। तो ऐसा एक प्रसंग है। बाकी बाद के वर्षों में आपको देखा, पढ़ा, सुना, और अभी जब से ये इनविटेशन वाला तो मैं देख भी रहा था प्रोफाइल भी, तो उससे पहले हालांकि मुझे जानकारी थी कि पंचतंत्र आपने शुरू किया। तो ये जो आपका प्रयास है और जो मल्टी टैलेंटेड जो आप हैं, इससे हम सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी दुनिया नहीं रही है जिसमें एक आदमी एक विधा के जरिए सम्मान प्राप्त कर पाए या उसकी जीवन के साथ अपनी अभिरुचि के साथ वो बाकी बहुआयामी जो व्यक्तित्व है उनको देख पाए। इसलिए हमें अपने साथ और सारी रुचियों को और सारी चीज़ों को संभालना चाहिए और ये आशुतोष जी से हमें विशेषकर सीखना चाहिए। थैंक यू। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।